हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू यूनिवर। इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं कल की जर्नी क्या थी मेरी। और तो बहुत बड़ी जर्नी तो नहीं थी वैसी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कल का इंटरव्यू वाला। तो कल सीएट टायर वाली कंपनी आई थी और जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर और एचआर मैडम आए थी, जिनको मतलब इंटरव्यू लेना था, टेस्ट लेना था और बहुत कुछ लेना था। तो चलो हटाओ उस चीज़ को और दूसरा देखते हैं। तो उन्होंने जो अपने सबसे पहले हमारे कॉलेज के स्मार्ट लैब में हमको ले जाकर बिठा ला। वहाँ एसी वेसी पंखा वंखा सब चालू था और बढ़िया से उनने अपना इंटरव्यू का फ्रंट पेज खोल के रखे थे पहला वाला, और इंटरव्यू दिए। सेट टायर ये है, सेट टायर वो है, इस प्रकार से काम करता है, उस प्रकार से, हैप्पी लाइफ प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह, स्माइली चेहरे पे स्माइली, पूरा हर जगह स्माइली कर दिया। लेकिन इंटरव्यू मतलब प्रेजेंटेशन सुनाने के बाद एक चीज़ मेरे को वहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी कि वहाँ पे इंटरव्यू मतलब जो भी है, जो प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन को एकदम तरीके से और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे थे। और एक तरफ से उन्होंने सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया, कहाँ कहाँ प्लांट है ये बताया, उसके बाद उन्होंने सैलरी के बारे में बताया और बहुत सारी, पर अपॉइंटमेंट का कुछ बताया नहीं, मतलब अकोमोडेशन का नहीं बताया। अकोमोडेशन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जॉब तो मिल रही। नागपुर ज़्यादा दूर नहीं था, वो पास में था, कोई बात नहीं, कैंपस भी होता तो चला जाता, लेकिन मेरा कैंपस नहीं हुआ। आगे चल के बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ और मेरे साथ इस पूरी जर्नी में। सबसे पहले मैं यहाँ से तैयारी करके पूरी बैग वैग टांग के बढ़िया चला गया। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त मिले पुराने वाले, एक दो, जैसे लक्ष्मण ध्रुवे हो गया और आशीष पवार हो गया। वो तो आशीष पवार तो मेरे लास्ट तक था मेरे साथ, बाकी सब लोग फॉर्म वाम भर रहे थे क्योंकि अब उनका सिलेक्शन हो गया था। अब बताता हूँ कि किसका सिलेक्शन हुआ था और किसका नहीं हुआ था। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 109 में जाके बैठे, 109 रूम नंबर में जाके बैठे, जहाँ हम आज तक नहीं बैठे थे। पर 109 रूम पे गए और वहाँ पे बैठे। वहाँ पे हाइट और वेट ये दो चीज़ नापी जा रही थी। तो मेरा हाइट थी 152 से ऊपर ही है और उनको चाहिए था उतना याद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वेट उनको चाहिए था 50 किलो, लेकिन केजी, लेकिन वहाँ पे मेरा दोस्त जिसका नाम था लक्ष्मण ध्रुवे, उसका 48 निकल गया। और एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन हॉल में बोल रहा था, मैं सुबह से खाना नहीं खाया, तो बहुत हंसी आ रही थी। चलो जाने दो, पर वेट बढ़ा लेना बोले उसको, तो ले लिया, बच गया वो बेचारा। फिर बाद में उधर क्या हुआ पता नहीं, टेस्ट वेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। अब लक्ष्मण को प्रेजेंटेशन हॉल से ही बाहर निकल दिया, मतलब बाहर चला गया, वो कैंसिल ही हो गया एक प्रकार से। तो चलो जाने दो, 42 किलो कम निकलने की वजह से वो बाहर निकल गया। फिर मैं तो आ गया हर जगह, वेट में भी, हाइट में भी, हर जगह। चलो अब चलते हैं सेकंड स्टाफ में, अब बढ़ते हैं सेकंड में। तो सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में ये हुआ कि सबसे पहले टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट में हुआ क्या कि सबसे पहले उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर का जो मतलब वो ब्लिंक, जो जब अपन एग्ज़ाम देते ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता अपन रोल नंबर भरते हैं अपने, वैसे ही ब्लैक पेन से या कोई भी पेन से तुम ब्लैक वो उस होल को ब्लैक पूरा ब्लैक करना पड़ता था जो आंसर सही है। तो उन्होंने दे दिया 50 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से जीके जीएस मैथ्स एप्टीट्यूड एप्लीट वगैरह वगैरह सब था, जिसमें से फर्स्ट जो और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन्स वाइज, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग तरीके से वो अपनी वो दे रहे थे क्या टेस्ट। तो मैंने अपना इलेक्ट्रिकल था तो अपन इलेक्ट्रिकल का ही दे रहे थे, और बाकी सब कॉमन था,
फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह। फिर लास्ट जब वो टेस्ट दे के ख़त्म हुआ तो उन्होंने तुरंत रिजल्ट फाइन कर दिया, क्योंकि वो टेस्ट का जो कॉपी था वो हमने चेक किए, मतलब मेरा कॉपी अदर कोई दूसरे पर्सन के पास था और उनका कॉपी मेरे पास था, मतलब इस प्रकार का चेकिंग होती थी। और नीचे मार्क लिखना पड़ता था। एक मेरे पास एक कॉपी आया था जिसको मिला था 14 नंबर, हाँ ऐसे ही 14, पर मेरा नंबर कुछ पता ही नहीं था। चलो जाने दो, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। आगे टेस्ट होने के बाद उसमें से दो चार लोग फेल हो गए, मतलब जो एलिजिबल थे वो बैठे रहे, और जो अन एलिजिबल थे, मतलब जो उन एलिजिबल नहीं थे उनको बाहर कर दिया, अनरेली सॉरी करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, उसके आगे चलते हैं सेकंड टेस्ट। मैंने तो अपने हाथों को छाती पे ऐसा रख लिया था, बच गया। फिर सेकंड टेस्ट जब आया तो सेकंड टेस्ट पे हुआ ऐसा, तो सेकंड टेस्ट में वो था साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में हुआ क्या, मेरे को मालूम नहीं था कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। मैं सोच रहा था कि ये आखिर है क्या, और फिर बाद में पता चला, उन्होंने थोड़ा समझाया कि ऐसा ऐसा करना है इस प्रकार। अब ऐसा कई लोगों को डाउट ही था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 या 15 मिनट ज़्यादा हो चुके थे, तो सर बोलने लग गए स्टार्ट कर दो, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया जाने दो। तो उनने स्टार्ट कर दिया, और हुआ ऐसा कि स्टार्ट कर दिया मैंने भी, सब ने बना दिया। और उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में ऐसा होता है कि जो कॉलम बना रहता है ए बी सी डी ई ई एफ जी जे एच, उसमें जे तक बना था, और उसमें नंबर्स लिखे होंगे 5, 6, 4, 5, 3, 2, 1, 8, 7, 9, और जहाँ वो सर बोलेगा, जहाँ रुकेगा, जिस कॉलम को पकड़ा है उसको बोलते जाएगा, उसके बाद वो लास्ट में जहाँ बोलेगा वहाँ पे गोला मार दो। जैसे ही उसने दूसरा चेंज करा, बोलते हुए दूसरा कॉलम चेंज करा, वैसे ही उसको लास्ट वाली जो अंक को गोला मार के नीचे वाले पर आ जाओ और उसको गोला मार दो जहाँ पे उसने लास्ट बोला। लेकिन इसमें इसी बोलते वक्त वो जो अंक है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 2, 4 कितने हुए 6, 6, 6 ऐड करो, फिर 4 के साइड में क्या है 2 है, तो फिर उसको फिर ये भी मतलब 6 होगा। फिर अब ठीक है, अब 2, 6 हो गया, अब वो 2 के साइड में 8 है, तो 8 और 9, 10 हो गए, 10 है तो 1 लिखना पड़ेगा, 0 नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसा इस प्रकार हमको समझाया था। तो हमने जो भी समझा था वो हमने लिख करके आए, और मेरे से तो हुआ नहीं, वो जल्दी के चक्कर में मतलब पूरा काम ही लग गया उसका, क्योंकि पहली बार सुना था और वो अटपटा सा ही लग रहा था। तो नेक्स्ट टाइम तो ऐसा कोई साइकोमेट्रिक आया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चला जाऊंगा, और फिर देखो कमाल, और हम आगे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस में तो थोड़ा सा थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी, तो सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब साइकोमेट्रिक टेस्ट से बच के तो नहीं रहना है, उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है। फिर अब यहाँ तक, अब इसका भी रिजल्ट वैसे ही जैसे पिछले बार का था, तो ऐसे ही टेस्ट चेकिंग वेकिंग करने के बाद फाइनल रिजल्ट जब आया तो पता ही नहीं चला कि अब किसको खड़ा करना है। तो रिजल्ट अब उनको खड़ा कर रहे थे जिनको पास हो गए थे, मतलब ये जैसे नाम, जैसे मुकुंद ऐसा बोला खड़े हो जाओ, वो भी कंफ्यूज में कि मैं फेल हो रहा कि पास हो रहा समझ में, क्योंकि बताया नहीं था कि ये लोग सिलेक्टेड है या कुछ पास है, कुछ नहीं बताया था। फिर हुआ ऐसा कि उनको खड़ा कर दिया, और जितने बैठे थे अच्छे आराम से कि हाँ, उनको बोला अनरेली सॉरी, तुम रूम छोड़ दो, निकल लो। तो हम तो वहाँ से रूम से निकले, क्योंकि मेरा आखिरी समय आ चुका था। तो
इसी के बाद मैं बाहर निकला, इधर उधर देखा, घूमा फिरा, और एक दो जूनियर से तो बात करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। चलो, फिर वहाँ से टाइम निकल चुका था और उधर नीचे ऑफिस में गया था तिवारी सर तरफ, तो वहाँ पे जो आशीष कंप्यूटर सुधार रहा था, तो मैंने बोला टाइम हो जाएगा, मैं निकलता हूँ, तुम लोग आना, और मैं वापस आ चुका हूँ, आ चुका था। और बस यहीं तक की जर्नी थी। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और मचा दो, धूम मचा दो। आगे आने वाले समय में मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाते जाऊंगा, तुम मुझे सब्सक्राइब कर दो और लाइक दे दो। तो यहीं तक की दुआ है। तो अब मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इसी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, बाय।